हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 12 के नए गैलरी अपडेट के बारे में, जो कि नए APK के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है अब आपको एक नए तरह का UI देखने को मिलता है फ्री एप स्पेस के अंदर, और कुछ नए फिल्टर्स और कुछ काफी सारे नए चेंजेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। ये गैलरी जो है MIUI 11 के फोन के ऊपर भी काम करेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस टाइम पे हमारे पास Poco X2 है और इसके अंदर जो है हम MIUI 11 का वर्जन जो है उसको यूज कर रहे हैं, और ये गैलरी जो है परफेक्टली इसके अंदर काम कर रही है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Poco X2, और आज इसके अंदर जो है हमने लेटेस्ट गैलरी को जो है इंस्टॉल कर रखा है, जिसके अंदर जो है आपको क्लीनअप का एक नया UI देखने को मिलता है और कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो कुछ इस तरह का आपको लेआउट इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें फोटोज और एल्बम आप इनके पोजिशन को यहाँ से रीअरेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। मेनू में आप जाएं तो आप इनको जो लिस्ट व्यू है उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। जो नया फीचर जो आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिला है, वो मिला है फ्री अप स्पेस का। अब जो है फ्री अप स्पेस का जो है UI जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है इसके अंदर, और अब आपको कुछ इस तरीके का एक नया लेआउट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें वो आपको की गैलरी को क्लीन अप करने की कुछ सजेशन देता है कि क्या क्या आप अपनी गैलरी में से क्लीन कर सकते हैं और अपने फोन के इंटरनल स्पेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक नया इसके अंदर ऑप्शन आया है। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कोई डुप्लीकेट फोटोज होगी तो उसको बताएगा कि कौन कौन से आपके फोन के अंदर जो है डुप्लीकेट फोटो है, किस कौन सी फोटो जो बेटर है आप उसको रखिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए। ये कुछ ऑप्शंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। UI में तो चेंज किया ही गया है, साथ ही साथ फिल्टर्स भी काफी सारे अब जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी फोटोज को ओपन करते हैं और एडिट में जाते हैं, उसके फिल्टर में अब आप काफी सारे नए फिल्टर्स जो है देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इसके अंदर एक लाइन फिल्टर जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है MIUI 12 के अंदर, वो आपको देखने को मिल गया है। उसी तरीके से इसके अंदर जो साइबर पंक का एक नया फिल्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है MIUI 12 के अंदर, वो भी आपको देखने को मिल गया है। आपको ब्लैक एंड आइस का एक नया फिल्टर, वो भी आपको देखने को मिला है। उसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट के भी कुछ नए फिल्टर्स अब आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। आपको आप क्लासिक और मूवी दो तरीके के फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्काई मोड में आपको स्टैटिक और डायनामिक दोनों ही फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी फिल्टर्स जो है यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है ये फिल्टर्स जो है आपके फोन पे काम करना शुरू कर देंगे, और जिस फोटोग्राफ में स्काई का बैकग्राउंड होगा उसके अंदर जो है स्काई बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ एनिमेटेड फिल्टर्स भी आपको देखने को मिले हैं, जिसमें है आपको एक एनिमेशन इफेक्ट और एक साउंड इफेक्ट जो है पीछे देखता हूँ आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये कुछ नए चेंजेस जो है गैलरी के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जो कि मेन चेंज जो आपको इसके अंदर देखने को मिला है, वो आपको मिला है इसके अंदर जो क्लीनर ऐप होता है उसके अंदर आपको एक नया UI अब यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस फीचर को यूज करने के लिए सिर्फ आपको एक APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये वो फाइल है MIUI गैलरी 2.2.16.16 वर्जन। देखिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, या आपके सामने यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ना आपको रूट करना है, ना कोई कस्टम रिकवरी चाहिए। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जो है आप इसके सभी नए फीचर्स जो है अपने फोन के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको लगता है इसको आपने रिमूव करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, गैलरी की जो ऐप इन्फो होती है उसमें जाइए। ऐप इन्फो में जाने के बाद इसके नीचे जो अनइंस्टॉल का अपडेट होता है उस पर क्लिक करेंगे और इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद जो है आपका जो अपडेट था वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपकी पुरानी गैलरी जो है फिर से वापस आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।